हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10 के चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 की कुछ प्रॉब्लम्स और आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ आर्टिकल्स को बताएंगे हम। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन 1 जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन जो कि है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 आर 6q+3 आर 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। आपको यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये दिखाना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है 6q+1 आर 6q+3 आर 6q+5 के फॉर्म में होता है, जहां पर क्यू कुछ इंटीजर्स है, सम इंटीजर्स हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको बताएं कि इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको यूक्लिड डिविजन लेम्मा के थ्रू सॉल्व करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लीजिए ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल टू 6। बी क्या है? 6 के इक्वल है। क्यों? यहां पर देखिए, यहां पर बी के प्लेस पे 6, बी दैट इज द, यहां पर बी के प्लेस पे क्या है? 6 है और ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया गया। तो देन by Euclid's division lemma, तो Euclid division lemma के द्वारा a equal to, we can write, हम क्या लिख सकते हैं, a equal to 6q+r, a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6q+r for some integer, फॉर सम इंटीजर क्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 6। आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 बिकॉज 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस 6। यहां पर r की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल और 6 से क्या है, लेस है। तो दैट इज a कैन बी, तो a क्या हो सकता है, a कैन बी 6q+1 6q+2, वैल्यू रखते जाएंगे r की वैल्यू 6q+3 6q+4 r 6q+5 हो सकता है। ओके, वेयर, जहां पर q क्या है, वेयर q इज कोसेंट, जहां पर q क्या है, कोसेंट है। हाउ एवर सिंस a क्या है, a ऑड है, यहां पर a क्या है, ऑड नंबर। हाउ एवर सिंस a इज ऑड, a क्या है, ऑड है, तो a कैन नॉट, सो जब a ऑड है तो a कैन नॉट बी, a नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 6q नहीं हो सकता, 6q+2 नहीं हो सकता और 6q+4 नहीं हो सकता। तो a 6q+2 और 6q+4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a क्या है, ऑड नंबर है और ये सभी क्या है, इवन नंबर है। तो a क्या हो सकता है, देयरफोर ए, देयरफोर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, किस फॉर्म में हो जाएगा, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में हो जाएगा, ए इस फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया एक्सरसाइज 1.1 की एक क्वेश्चन को। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड जो 4th है वो इसी क्वेश्चन पर डिपेंड है, इसी तरह है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे होमवर्क में। और आपको हम इसके आगे के आर्टिकल्स के बारे में बता दे रहे हैं। इसका जो आगे का आर्टिकल है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जो आर्टिकल है पहला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक,
बताएं कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है एंड दिस फैक्टराइजेशन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इज यूनिक। कैसा होता है? यूनिक होता है। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये स्टेटमेंट हुआ। मीन्स जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर आप जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन वन, जो कि वन से ग्रेटर होता है बट विच आर नॉट ए प्राइम, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होता। तो एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ओके, तो अब ये जो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आप इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे, और आगे के लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।